ने ठेका ले रखा आरएसएस और बीजेपी के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनने का आप लोगों ने, आप कितना पेट नहीं भरता आपका। अरे आप वहाँ बैठे हैं, आप तो कंडक्ट करने के लिए बैठे हैं कि आरएसएस की भूमिका बताने सर में आप मैं हर चीज का जवाब नहीं, मैं आपका नौकर नहीं बैठा, हर चीज का जवाब नहीं दूंगा मैं। अभी की बात हो रही है, महामत ले जाइए। आज इस वीडियो में बात जी न्यूज के पत्रकार अमन चोपड़ा की करते हैं। आज हम उनकी वे डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने विपक्षी नेताओं को सवाल किया हो और विपक्षी नेताओं ने अपने जवाब से अमन चोपड़ा को चुप करवा दिया हो। जी न्यूज पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने एक घटना का जिक्र किया, नेता से सवाल किया, जिस पर नेता ने एंकर द्वारा किसानों को खालिस्तानी और आंदोलनजीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल करने पर फटकार लगा दी। बरार साहब, अब तो कोई साथ नहीं देगा इनका, किसान तो नहीं कहेगा ना कोई इनको। जो आपने शब्द वर्त रहे हैं उसको कभी खालिस्तानी बोल रहे हो, कभी बलात्कारी बोल रहे हो, कभी तलवार जीवी बोल रहे हो, कभी आंदोलन जीवी बोल रहे हो, ये मेरी आपसे भी एक बेनती है, इतने करड़े शब्द हर जो शख्स वहां बैठा उसके लिए ना वर्ते। जो लोग बुरे बीच में है उसको कानून का काम करने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप सभी को ऐसे बोल रहे हो, ये तो मुझे आप ऐसे लगता है कि आपको ज्यादा गुस्सा है। एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, आप निरंतर बोलते रहे हैं, मैं सुनता रहा हूं, मेरी बात लोगों तक जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये तो देश का प्रधानमंत्री ने भी परजीवी बोल दिया था, तो आप जीवी 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 करके बोल के गाली क्यों निकाल रहे हो? जो आदमी गलत है उसको कानून काम करे अपना, कौन रोकता है उनको कानून का काम करने के लिए? मगर आप ये नहीं बोलते कि ये बैठे लोग जो हैं 7 महीने से बैठे हैं, ये जो कानून उनको चाहिए नहीं है, ये केंद्र वापस क्यों नहीं लेता? जी न्यूज पर एक बुजुर्ग के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर डिबेट जारी थी। इस डिबेट में एंकर ने घटना का जिक्र कर नासिर अब्दुल्ला से सवाल किया, जिस पर नासिर ने अपना पक्ष रखा। जब एंकर ने उन्हें अपने सवालों में उलझाने की कोशिश की तो नासिर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तो क्या देश में डिजिटली दंगा फैलाने की वैचारिक आजादी मिलनी चाहिए? देखिए जी, मैं ये जानता हूँ किसी ने अगर ये बात अगर कही है किसी बुनियाद पे कही है, जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करने का हक बनता है और ये बात कोर्ट ने भी मान ली है, तो गलत बात मत कीजिए कि ये करके डिजिटल दंगा जर्नलिस्ट को क्या होगा, कम्युनलाइज करने का यहाँ पे फैला रहे हैं अफवाह फैला। नहीं, कम्युनलाइज अगर किया भी है तो कुछ नहीं होगा। मुसलमान तो वैसे भी डरपोक घूम रहा है बेचारा, वो क्या कम्युनलाइज करेगा, हाँ, क्या दंगे करेगा? कोविड सबसे बड़ा दंगा तो यहाँ आया है, मौत जो है सबके घर के सामने खड़ी है। ये डरे हुए शांति दूत गर्दन काट देते हैं, महामत चाहिए, बेकार की नहीं, बेकार की बात मेरे से। मैं हर चीज का जवाब नहीं, मैं आपका नौकर नहीं बैठा, हर चीज का जवाब नहीं दूंगा मैं। अभी की बात हो रही है, महामत ले जाइए, 10-10 साल पहले नहीं, अभी की बात हो रही है, हक बनता है मालूम करने की। पुलिस कोई आफत नहीं आई। जी न्यूज पर धर्मांतरण के मुद्दे पर डिबेट जारी थी। इस डिबेट में एंकर ने सवाल AIMIM के नेता आसिम वकार से धर्मांतरण के मुद्दे पर जवाब देने को कहा, जिस पर AIMIM के नेता जब जवाब दे रहे थे तो एंकर ने उन्हें एक सवाल बार बार किया, जिसका असीम वकार ने करारा जवाब दिया। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर, धर्मांतरण जिहाद से मुक्ति कैसे? मैं बहस करने आया था, हाँ जी, मुझे पता होता कि बहस नहीं हो रही है तो मैं ना आता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ले लेता हूँ, धर्मांतरण जिहाद से मुक्ति कैसे? मेरा सवाल जवाब दे दीजिए, धर्मांतरण जिहाद से मुक्ति कैसे? आपने उससे क्यों नहीं पूछा? हैं जी, आपने उससे क्यों नहीं पूछा? क्या तुमने गाली क्यों बकी मुसलमानों को? क्यों नहीं पूछा आपने? क्या नहीं पैसे लेते उससे? आप पैसे लेते उससे? इतना नहीं, क्या हो गया बकार साहब? मैंने गला काट कट्टरता के खिलाफ बोल दिया आपको, मेरे पे गुस्सा आ रहा है बकार साहब? आपको इतना गुस्सा उन पर करिए जो खासिब काशी बनकर गया था गला काटने के लिए, उसके खिलाफ उस पर आपको प्यार उमड़ रहा है, मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं आप? हाँ भैया कर लीजिए, बकार साहब जो कासिफ काशी बनकर गया ना गला काटने के लिए, उसके खिलाफ इतना गुस्सा दिखाइए, मेरे पे मत दिखाइए, धर्मांतरण जिहाद पर आ जाइए। जी न्यूज पर मुसलमान डर, रिपीट, जी न्यूज पर मुसलमान डरा हुआ है, गैंग एक्सपोज्ड, इस मुद्दे पर डिबेट जारी थी। इस डिबेट में एंकर ने सवाल किया जिसका कांग्रेसी नेता ने जवाब दिया, पर एंकर ने उन्हें बार बार टोका, जिस पर उन्होंने एंकर को ही खरी खोटी सुना दी। मैं नहीं चाहता आपको बीच में टोकना, लेकिन आप तो और डरा रहे हैं डिबेट में बैठा के। वो CA की बात कर रहे हैं, मैं NRC पूछ रहा हूँ,
सीए का भारतीयों से लेना देना नहीं है और एनआरसी में नेशनलिटी पूछी जा रही है, धर्म थोड़ी ना पूछा जा रहा है। जानबूझ के वही बातें उठाते रहते हो। नहीं, आपने उठाई, आपने बोला एनआरसी से मुसलमान डरा हुआ है। समझिएगा दल भाई साहब, एनआरसी का मुसलमानों से क्या लेना देना? अरे भाई, ये है लोग और बीजेपी के लोग क्या बोलते हो देखिए। सॉरी टू से यू नो नथिंग, आपको एबीसीडी नहीं पता, वो सीए है। देखिए, नागरिकता नहीं दी जाती है एनआरसी में, कहां किसको पता ही नहीं है इनको। अरे आप वहाँ बैठे हैं, आप तो कंडक्ट करने के लिए बैठे हैं कि आरएसएस की भूमिका बताने के लिए। सर मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको एनआरसी सीए नहीं पता और आप बैठकर मुसलमानों को डरा रहे हैं, डर की दुकान चला रहे हैं आप। दलवाई साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको एबीसीडी नहीं पता सर। कानून की दुकान चला रहे हैं जी आप, किसकी दुकान चला रहे हैं आप, किसकी दुकान मत चलाइए। इंडिया की दुकान चला रहे हिंदुस्तान की। जी न्यूज पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेसी नेता रवनीत पिट्टू से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सवाल किए, जिसका रवनीत पिट्टू ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पिट्टू जी एक बात बताइए, जो आपका बयान था कि हम लाशों के ढेर लगाएंगे, वो भी अब राहुल गांधी मतलब अकेले करना पड़ेगा अब आपको? राहुल गांधी तो चले गए इटली। ठेका ले रखा आरएसएस और बीजेपी के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनने का आप लोगों ने, आप कितना पेट नहीं भरता आपका? हर टाइम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी। आप अपना काम करो, किसानों के अंदर जाओ, आपका चैनल वहां तो जा नहीं सकता, वहां तो भगाते हैं आपको, क्योंकि आप गोदी मीडिया हो, वहां जाओ ना बिट्टू जी। आप तो आपने कहा था ना हम लाशों के ढेर लगाएंगे, लगाने के और टाइम नहीं आपके पास। 1 जनवरी 2021 के बाद लाशों के भी ढेर लगाएंगे बिट्टू जी, आपने कहा था। भाई तुम जाके काम अकेले करना पड़ेगा। अरे वो तो देखेंगे, आप जाओ उठ के जहां। अरे भाई मैं भी सरदार बेअंत सिंह का पोता हूँ, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए, वो भी उसका बाप राजीव गांधी और दादी टुकड़े टुकड़े हो इस देश के लिए, आप लोगों ने दिए करवानी। अरे मैं उसका पोता बैठा हूँ, लाशों के ढेर हमने अपने लगाए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अमन चोपड़ा अपने डिबेट के जरिए जरूरी मुद्दे उठा बीजेपी नेताओं को भी घेरना शुरू करेंगे। अगर वे विपक्षी नेताओं से ऐसे ही सवाल करते रहेंगे तो विपक्षी नेता भी उन्हें पलट कर जवाब देते रहेंगे। Bureau Report, Punjab Today TV. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.